बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर वायरल सितारे में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ अपने घरों पर आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में पाइसिस के बारे में बयान करेंगे। पाइसिस की जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीनों का मुख्तसर अहवाल और अहम बातें जो इन 6 महीनों में वक़ू पज़ीर होंगी। नेक्स्ट आने वाले 6 महीने जो साल 2023 के आखिरी 6 महीने भी हैं, तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होती है हमेशा कि काइंडली जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बड़ी सपोर्ट हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2023 के आखिरी 6 महीने। एस्ट्रोलॉजी में जो साल है कोई भी हो, 23 हो 24 हो 25 हो, कोई भी साल हो, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। साल का पहला हिस्सा होता है जनवरी से लेकर जून तक, ये साल का पहला हिस्सा कहलाता है जो कि कदरे स्लो माना जाता है। और साल का दूसरा हिस्सा होता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जो कदरे तेज़ फास्ट माना जाता है, जिसमें आने वाले 6 महीनों आने वाले नए साल की बुनियादें रख दी जाती हैं। और ये जो 6 महीने होते हैं आखिरी के साल के, ये आने वाले साल के यानी साल 2024 का ट्रेलर होगा जो आप इन 6 महीनों में देखेंगे। तो कोई भी साल हो, कोई भी चाहे 23 हो 24 हो 25 हो, आने वाले कोई भी साल हो, उसकी बुनियादें रख दी जाती हैं इन आखिरी के 6 महीनों में। और आखिरी के 6 महीने शुरुआती 6 महीनों से ज़्यादा फास्ट होते हैं। इन 6 महीनों में तेज़ी से तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। और अब आप देखेंगे कि ये जो आने वाले 6 महीने ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक वजाहत जो ज़रूरी है वो ये है कि ये वीडियो मून साइन पाइसिस के लिए है। अगर आपका मून साइन पाइसिस है तो ये वीडियो आपके लिए, अदरवाइज़ अगर आपका सन साइन पाइसिस है तो फिर आपको अपना मून साइन पता करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता है तो आपको अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और जाय पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं आपको आपके कमेंट का जवाब दूंगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मून साइन क्या है। अमूमन होता क्या है कि बहुत से लोगों को अपना मून साइन नहीं, सन साइन पता होता है। और हमारी यहाँ मशहूर भी यही है, सन साइंस के ज़रिए लोगों को अपने साइंस पता है, अपने जोड़ियक साइन पता है। लेकिन हम क्योंकि मोस्टली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देख रहे होते हैं, लेकिन जबकि जो हमारे चैनल की जो वीडियो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बनाई जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मोस्ट ऑफ़ वीडियोस, ऐसी नहीं कि सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन हमारे चैनल की मोस्ट ऑफ़ वीडियोस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होती है। अब इसकी मिसाल मैं यूं दूं कि जैसे कि मेरा अपना जो सन साइन है, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च है और 1 मार्च के हिसाब से मेरा सन साइन बनता है पाइसिस, लेकिन मेरा मून साइन है कैप्रिकॉर्न। अब कहाँ पाइसिस कहाँ कैप्रिकॉर्न, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। लोग इस गलत फहमी में होते हैं कि सन साइन मून साइन उन्हें पता नहीं होता, उन्हें बस ये पता होता है कि ये डेट ऑफ बर्थ मेरी है तो इस हिसाब से मेरा ये बुर्ज बनेगा, जबकि वो एक्चुअली सन साइन के हिसाब से होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक अलग दुनिया है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक अलग दुनिया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहलाती है और पाकिस्तान में ज़्यादातर फॉलोअर्स को, लेकिन वो बताते नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बताएं कि ये जो वीडियोस हैं बना रहे हैं ये सन साइन के हिसाब से बनाई गई है या मून साइन के हिसाब से, ये उनकी उनको ज़रूर चाहिए ताकि पब्लिक उस हिसाब से उसी के हिसाब से अपनी वीडियो को फॉलो करे। यानी कि अगर मेरा मून साइन है कैप्रिकॉर्न तो मैं फिर पाइसिस की वीडियो को फॉलो नहीं कर सकता, मैं फिर कैप्रिकॉर्न की वीडियो को फॉलो करूँगा। तो ये गलत फहमी और इस वजाहत करना ज़रूरी था ताकि आप लोग अपनी सही वीडियो को फॉलो करें ताकि वो आपके हिसाब से सही बैठे। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए
हम प्रेडिक्शंस की तरफ आते हैं, और जुलाई से लेकर दिसंबर का दौरानिया कैसा रहेगा आपके लिए, ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। और जुलाई का महीना तो आप जानते हैं कि मोस्टली गुजर ही चुका है और थोड़ा बहुत ही टाइम पीरियड रह गया है। तो जुलाई के महीने में आप अपने मुखालिफीन को शिकस्त देंगे, आप अपने हासिदीन को जो आपसे हसद करने वाले हैं, मुखालिफ हैं, उन मुखालिफीन को आप शिकस्त देंगे। अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उन कोर्ट केसेस में भी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है, आपकी मेहनत को, आपकी कोशिशों को सराहा जाएगा, प्रोमोशन के चांसेस भी मौजूद हैं। और इस दौरान आपकी माली तौर पर आपकी सपोर्ट भी आपको मिलेगी, और बैरून मुल्क जाने का मौका भी उन अफराद को मिलेगा जो इसकी कोशिशों में लगे हुए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं घर बैठा हूँ और अचानक से मुझे वीज़ा मिल जाए कनाडा का, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो कोशिशें ज़रूरी होती हैं, कोशिशें करें, मेहनत करें, और फिर अपना फ़ैसला तकदीर पर छोड़ दें। अगस्त का महीना आ जाएगा, और अगस्त का महीना इंतहाई पाइसिस, मून साइन पाइसिस को एक वार्निंग है कि अगस्त का महीना पाइसिस के लिए प्रॉब्लम्स का महीना है। मैं क्यों सब्ज़ बाग दिखाऊं, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, जो है जैसा है मेरे इल्म के मुताबिक मैं आपको बयान कर देता हूँ। अगस्त का महीना इंतहाई नासाज और नाखुशगवार होगा, और इंतहाई मोहतात रहने का महीना हर हवाले से। खामोश रहें, चुपचाप रहें, नमाज वगैरह की ज़रूर पाबंदी करें, सबका ख़ैरात करें, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मून साइन पाइसिस के लिए। तो महीने की शुरुआत में सिर्फ कारोबारी हवाले से ये कामयाबी मिलेगी, सिर्फ कारोबारी, वो जो अफराद कारोबारी हैं, कारोबार करते हैं, उनको कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एहतियात का महीना है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं आपकी लव लाइफ में भी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, और स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। स्ट्रेस वो किसी भी हवाले से हो सकता है, बच्चों की सेहत को लेके, वालदेन को लेकर, घर वालों को लेकर, ससुराल वालों को लेकर, या किसी और मसले की वजह से, एजुकेशन को लेकर आप स्ट्रेस का शिकार रहेंगे, और हर तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि आप मसाइल में घिर गए हैं। तो ये अगस्त का महीना आपके लिए एक सरदर्द जैसा होता है वो रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ज़बान का इस्तेमाल भी कम से कम करें, झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं रिश्तों में, तो वो इसलिए पहले से बताने का मकसद ये होता है कि आप तैयारी कर लें आने वाले इम्तिहानात की। सितंबर के महीने में कारोबारी शराकत दारियाँ होंगी, मुआहदे होंगे, आपके पार्टनर्स बनेंगे, और शादीशुदा ज़िंदगी में टेंशन्स आ सकती हैं हस्बैंड की वाइफ के साथ, वाइफ की हस्बैंड के साथ। शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव रहेगा, सेहत ख़राब हो जाएगी, सेहत को बेहद केयर की ज़रूरत होगी, और आमदनी में भी कुछ तनाव रहेगा। आपके लव रिलेशन को सुधारने का मौका आपको मिल सकता है, गैर शादीशुदा अफराद जो कि जिनके लव अफेयर्स हैं, दोस्तियां हैं, या वो किसी को पसंद करते हैं, तो उनकी उनको भी अपने लव रिलेशंस को एक शेप देने का, एक स्ट्रीमलाइन करने का मौका मिलेगा। कोई इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे इस महीने, अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी हवाले से किसी नताइज पे, किसी नतीजे पे पहुंच जाऊंगा, कोई फ़ैसला ले लूँगा, तो आप इस पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि नेचर जो है वो इन महीनों में आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये महीना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगस्त के महीने की तरह। हाँ, अलबत्ता अगस्त से थोड़ा हल्का होगा टेंशनों में, मगर बहुत अच्छा नहीं होगा। अक्टूबर का महीना भी मज़ीद एहतियात का होगा। अब मैं क्या करूँ, जो अब आप ये कहेंगे कि सारी बुरी ख़बरें आपके लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो है जैसा है आपके सामने, मैं आपसे सब्ज़ बाग आपको दिखाऊं, झूठ बोलूं, उल्टी सीधी कहीं मैगज़ीन से पढ़ के, कहीं कुछ से करके बना दूं एक वीडियो, जैसा आजकल चल रहा है यूट्यूब पर, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना फिर रहा है, जबकि उनके पास ना कोई डिग्री है इस हवाले से, ना कोई कोर्स की कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो
उल्टी सीधी बकवास करते हैं और फिर वीडियो बना के डाल देते हैं और फिर लोग हमें परेशान करते हैं कि भाई फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर तो ये कह रहे हैं, आप इस तरह कह रहे हैं। तो भाई मैं तो पहले भी यही बयान करता आया हूँ कि जो है जैसा है आपके सामने है, मैं कोई झूठ में या अपनी तरफ से इसमें लगा के तो नहीं वीडियो बना रहा। जो मेरी इल्म के हिसाब से जो प्रेडिक्शन बन रही है मैं वही पेश करूँगा। बिला वजह मैं इसमें क्यों इजाफ़ा या कमी करूँ, ना इसमें कोई इजाफ़ा मैं कर सकता हूँ ना इसमें कोई कमी कर सकता हूँ, जो है आपके सामने है। अच्छा है तो भी बयान करूँगा और बुरा है तो भी बयान करूँगा। सब्ज़ बाग दिखा के आपको खामखा खुशफहमी में तो मुब्तला करके ये तो आवाम को धोखा देने वाली बात है। तो अक्टूबर का महीना मज़ीद एहतियात का मुतकाजी होगा, मार्स 8th हाउस में होगा। जब मार्स 8th हाउस में आ जाता है तो एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाता है, हादसात। अब वो हादसात घर के अंदर भी हो सकते हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं, किसी भी किस्म के हादसात हो सकते हैं। कोई चीज़ आपके ऊपर गिर सकती है या आप गिर सकते हैं, या मोटरसाइकिल पे हो या कार में हो तो आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। गाड़ी बहुत एहतियात से आपको चलानी है। ससुराली रिश्तेदारों से पैसे को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है, सो बी केयरफुल। इज़्ज़त पे बात आ जाती है जब इंसान के ससुराल की बात होती है, तो बहुत ज़्यादा इंसान को एहतियात करनी चाहिए। तो इस दौरान आपके जो काम है उसमें बड़ी रुकावटें आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर का महीना भी इन्हीं प्रॉब्लम्स में गुज़र जाएगा। उसके बाद 30 अक्टूबर तक एज इट इज़ सिचुएशन रहेगी और 30 अक्टूबर के बाद जाके आपकी माली पोजीशन में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। यानी कि अच्छा टाइम जो शुरू होगा वो आपका 30 अक्टूबर के बाद होगा। नवंबर और दिसंबर में आपकी आमदनी में, आपकी दौलत में इजाफा होगा, फैमिली के मसले मसाइल दूर होंगे। और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अहम होगा, इसमें प्रमोशन का चांस मौजूद है। प्रमोशन मोस्टली आम तौर पर जो होता है वो सरकारी नौकरियों में हो रहा होता है, उनका BPS बढ़ सकता है। कारोबार में तरक्की देखेंगे, आला अहदेदारों से आपके राबते कायम होंगे जो मुस्तकबिल में आपको फ़ायदा देंगे। यानी जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो चाहे माली हवाले से हो, शादी के हवाले से हो, जो भी हो, ये 30 अक्टूबर के बाद जाके आपको रिलीफ मिलेगा। यानी 30 अक्टूबर तक हम ये नहीं कह सकते कि पाइसिस मून साइन पाइसिस के लिए अच्छा टाइम है। 30 अक्टूबर के बाद जाके आपकी सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, माली हवाले से भी, शादीशुदा अफराद की ये भी, और दीगर जो कारोबारी अफराद हैं उनका कारोबार अगर स्लो डाउन हो गया है तो उसमें भी बेहतरी आएगी। और यानी ये जो आपका नवंबर और दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने आपके अच्छे नहीं हैं। इनमें 80% जो हालात हैं वो आपके मुखालिफ होंगे और सिर्फ 20% जो हालात हैं वो आपके फेवर में होंगे। ये इसका मैंने एक लाइन में मुख्तसर जो खुलासा है वो इसका कर दिया है। नवंबर और दिसंबर साल के बाकी महीनों से, साल के बाकी 10 महीनों से बहुत बेहतर होंगे नवंबर और दिसंबर, जिनका मून साइन पाइसेस है। तो साल के इन आखिरी 2 महीनों में आप ग्रोथ भी देखेंगे और बहुत ज़्यादा आपको, जो मैं ये कहूँगा कि जो पूरे साल आपने प्रॉब्लम्स झेली उन पूरी प्रॉब्लम्स का इजाला हो जाएगा साल के इन आखिरी 2 महीनों में। यानी कफ़ारा अदा हो जाएगा बाकी के 10 महीनों का, और आप की प्रॉब्लम्स जब दूर होंगी तो आप यकीनन ज़हनी तौर पे पुरसकून होंगे, तो आप अपने उन 10 महीनों की टेंशन भूल जाएंगे और आप सुकून का सांस लेंगे। और फिर फर्दर के आगे 2024 में क्या सूरत हाल रहेगी, जिस तरह से मैंने आपको ये बयान किया कि साल के इन आखिरी 6 महीनों में आने वाले साल की झलक नज़र आएगी, और क्योंकि ये ट्रेलर होगा कि आने वाला साल आपका कैसा गुजरेगा, और उसकी एक ट्रेलर जो है वो आप देख सकेंगे। क्योंकि इन 6 महीनों में, जैसे मैंने बयान किया कि इन 6 महीनों में आने वाले साल का एक ट्रेलर मौजूद है और इसकी बुनियादें रख दी जाएंगी जो अगले साल होने जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारामद साबित हो। और मून साइन अगर आपको नहीं पता है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि आप अपनी
تاریخ پیدائش یعنی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں کا نام، اور ٹائم آف برتھ یعنی جس وقت پیدا ہوئے ہیں. تو یہ تین چیزیں آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، جیسے ہی وقت ملتا ہے تو آپ کو بیان کر دیں گے، آپ کو میسج کا جواب دے دیں گے. تو دوستو عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو سال 2024 سے ریلیٹڈ ہے، اور اگست کی ویڈیو بھی بہت جلد آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، جس میں ہم اگست میں ہونے والے حالات و واقعات کا ڈیٹیل سے جائزہ لیں گے. عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.